प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो सशक्त महिलाएं। एक तरफ आप देखेंगे भारत के मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, जो कि अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाती हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। जी, सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में ये बात कह दी ईद के दिन, तो ममता बनर्जी वो कूल कह के क्या कोई कोड वर्ड इस्तेमाल कर रही थी कि कर दीजिएगा फिर हम संभाल लेंगे? क्योंकि जवाबदेही तो ममता बनर्जी से बनती है। उस दिन से ये बात लगातार मीडिया में उठ रही थी कि ममता बनर्जी ने दंगों की बात की क्यों रामनवमी को लेकर। पिछले साल भी हमने देखा था ये सब कुछ हुआ था, एनआईए की टीम उसी मामले की जांच करने के लिए पिछले हफ्ते जब गई थी बंगाल तो उन पर भी हमला हो गया। तो ममता बनर्जी को पता था, इनपुट थी, या ये माना जाए कि ममता बनर्जी ने ही ये साजिश करवाई बोल बोलकर? क्रिएट तो ममता बनर्जी साहिबा ने लास्ट ईयर भी कर दिया था। 30 मार्च को याद कीजिए कि रामनवमी थी, 30 मार्च को 2023 में, और 28 और 29 मार्च को वो धरना पे बैठी हुई थी फराद हकीम की बेटियों को अपने गोद में लेकर के। तो 29 मार्च को उन्होंने स्पीच में धरना मंच से कहा था कि मुसलमान गलियों से गुजरोगे राम भक्तों तो पत्थरबाजी होगी, और पत्थरबाजी हुई थी। तब हावड़ा शिवपुर में हुआ था, सालकिया में हुआ था, और बहुत बुरे तरीके से हुआ था, बहुत बुरे तरीके से हुआ था। और उसके बाद जैसे ही रामनवमी आने लगा उन्होंने सीधा कह दिया कि 19 तारीख को पहला वोटिंग है और 17 तारीख को रामनवमी है, ये लोग जरूर भगदड़ मचाएगा। तो भैया, हिंदुओं को जब भगदड़ मचाना था तो रमजान तो पूरा लाइन से गुजरा, एक महीना वो मचा लेते, और रमजान से 12 दिन पहले शबे बारात और शबे कदर गुजरा उसमें वो मचा लेते, ईद गुजरा ईद में मचा लेते, उसके बाद ईद के दूसरे दिन से हजारी रोजा था 5-6 दिन का उसमें वो मचा लेते, पर राम नवमी में राम भक्त भगदड़ क्यों मचाएंगे? तो इनपुट उनको कहीं से नहीं आया था, ये उनकी अपनी बात थी, ये उनका अपना राग था जो उन्होंने अलाप अलाप करके मुसलमानों के कान में दिया कि ऐसा करना है तुमको, और मुसलमानों को उनको खुश रखना पड़ेगा, मुसलमानों को उनको हर हाल में खुश रखना पड़ेगा। क्योंकि 24 के लोकसभा इलेक्शन में जो भी हो रिजल्ट, पर 26 के विधानसभा इलेक्शन में चेयर उनको चाहिए, और चेयर देने का पूरा ठेका मुसलमानों के ऊपर है ममता बनर्जी को। अब आप लोगों को लगेगा कि भाई 23-28% वोट मुसलमानों का है, नाजिया कैसे कह दे रही है कि ममता बनर्जी फिर से 26 में अपनी सरकार बना लेंगी। लेकिन लोग ये नहीं काउंट कर रहे हैं कि 18% जो घुसपैठी और बोगस वोटिंग है उसको तो कोई काउंट ही नहीं कर रहा है। भैया, आप 28% वोट यहाँ पर माइनॉरिटी का एकदम डायरेक्ट है, उसके बाद 18% वोटिंग बोगस है जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानी, सीरिया, ये 5 जगह के लोग घुसपैठिया आकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर तो ऐसे ही आपका 40% वोट तो यहीं पर हो जा रहा है। तो 40% वोट को बचाने के लिए अगर मुसलमान नासर खान रेप करेगा तो ममता बनर्जी तो सजीवी घटना बोलेंगी, कामधुनी का रेप मुसलमानों के हाथ होगा तो ममता बनर्जी तो मुसलमान बलात्कारी को बचाएंगी ही, उसके बाद रुबानुर और रिजवानुर जैसा लोग लव जिहाद करेगा तो वो तो उसको सेफ करेंगी ही, उसके बाद फिर जिहाद के नाम पर अगर हिंदुओं का सर तन से जुदा होगा तो ममता बनर्जी तो जिहादियों को सेफ करेंगी ही, अगर सीरिया का मैदान बना दिया जाएगा मुर्शिदाबाद को तो भी मुसलमानों को वो सेव करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट 40-41% वोट यहां से आ रहा है उनको। तो उनको उनकी तो मजबूरी है कि उनको ये 41% वोट को सेव करना है, और क्योंकि ममता बनर्जी साहिबा ये चीज बहुत अच्छे से जानती हैं कि मुसलमान आतंकी में, जिहादी एक्टिविटीज में, रेप करने में, मोलेस्ट करने में, तलाक देने में, हलाला करने में, मुत्ता करने में, मसियार करने में, अश्लीलता करने में, लुंगी उठाने में, लुंगी के अंदर चड्डी ना पहनने में, नंगा नाच करने में, औरतों पर अत्याचार करने में बहुत फॉरवर्ड है, बहुत स्मार्ट है इन सारी चीजों में। तो उनकी ये सारी एक्टिविटीज को तो उनको तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, वोट के लिए हर हाल में करना पड़ेगा। आप देखो ना, यूसीसी को लेकर जैसे बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया, उसके बाद ममता बनर्जी ने कैसे रोना रोया और कहां कह दिया कि अगर यूसीसी लागू हो गया तो ब्रेकफास्ट में तो आपको गोमूत्र पीना पड़ेगा और लंच में आपको गोबर खाना पड़ेगा। मतलब ममता बनर्जी किस हद तक चली जाती है बकवास करने में।
देखिए मुझे वो खुद को हमेशा कहती हैं कि वो बहुत सीनियर एडवोकेट है उन्होंने बहुत साल प्रैक्टिस किया है, तो पहली एक बात है कि अगर वाकई में आप सीनियर एडवोकेट है और आपको लगता है कि जो जो नेता मंत्री आपके जेल के अंदर है आप खुद गाउन पहनिए और कोर्ट जाइए और उनको इनोसेंट साबित करके ले आइए। दूसरी बात आती है कि अगर वो वाकई में सीनियर एडवोकेट है और उन्होंने एक ही दिन में, मान लेती हूँ कि एक दिन भी गाउन पहना है, तो क्या संविधान का आर्टिकल 44 नहीं पढ़ा है? क्या उसमें शैल का वर्ड 5 बार इस्तेमाल किया गया है और संविधान लिखने वाले ने कहा कि ऐसी सिनेरियो बनाई जाए कि तुरंत कॉमन लॉ को लागू किया जाए? नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक ऐसा सिनेरियो बनाया ही नहीं गया कि कॉमन लॉ लाया जाए, और नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक कांग्रेस की सरकार कभी चाहती भी नहीं थी कि कॉमन लॉ लाया जाए, क्योंकि कॉमन लॉ लाया जाएगा तो जितना भी जिहादियों का और अश्लीलता का नंगा नाच मुसलमान माइनॉरिटी कर रहा है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा, इसीलिए नहीं लाया गया। अब कॉमन लॉ तो एक विधान एक संविधान है, तो अगर वो वाकई में खुद को कहती हैं कि वो एक दिन भी उन्होंने प्रैक्टिस किया है और वो गाउन पहनी है, तो ये जहालत वाली बात तो उनको करनी नहीं चाहिए थी। अब कॉमन लॉ यूनिफॉर्म सिविल कोड में गौमूत्र कहां से आ गया और गोबर कहां से आ गया? अब अगर गौमूत्र की बात आती है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं श्रीमती ममता बनर्जी को ये बता दूं कि सही अल बुखारी के हिसाब से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ऊंट का दूध और ऊंट का मूत दोनों हलाल है हमारे लिए, तो हम भी तो मूत पीने वाले हैं, हमारे बारे में भी बात कीजिए। अगर मूत, अगर कोई मूत पी रहा है कोई धर्म, आप गाय का, आप भी ब्राह्मण है तो शायद श्रीमती ममता बनर्जी भी गोबर खाती होंगी और वो भी गाय का मूत पीती होंगी, तो हम कहां दूध के धूले हैं, हम भी तो ऊंट का मूत पीते हैं, हमें भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए उन्होंने भड़काने के लिए, उन्होंने चमकाने के लिए, उन्होंने मुसलमान वोटर्स को जिहादी एक्टिविटीज में लाने के लिए, आज से नहीं, लोकसभा इलेक्शन बहुत दूर था तब से उन्होंने अपने भाषण में अपनी स्पीच में जिहाद, अल्लाह माफ नहीं करेगा, उसके बाद फिर राम के नाम पर जेल भेजना, राम, भगवान राम से घृणा करना, गॉडेस काली को मलाइन करवाना, उसके बाद फिर शिव, भगवान शिव को शाइनी घोष के द्वारा कॉन्डम पहनवाना, ट्वीट करवाना, ये सारी चीजें तो वो करती भी चली आ रही है। हिंदू धर्मा से तृणमूल कांग्रेस पार्टी को घृणा थी, घृणा है और घृणा रहेगी, हर हाल में रहेगी। ये लोग सिर्फ बनकर रह गए हैं, ये लोग अब धर्म के, धर्म की हिफाजत तो बहुत दूर की बात है, धर्म की इज्जत भी नहीं कर रहे हैं। पर नाजिया जी, राम नवमी पर पहली बार ममता बनर्जी ने छुट्टी भी दी, सरकारी अवकाश घोषित कर दिया, जबकि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था, तो ये कौन सी मजबूरी है ममता बनर्जी की? देखिए जैसे बरसात में बरसाती मेंढक हम लोग देखते हैं ना, टर टर कर करके नाले से और नदी और छोटे छोटे तालाब से ऊपर आ जाता है और चलने लगता है, और हम लोग बहुत गौर से शौक से देखते हैं, अरे देखो देखो मेंढक है, मेंढक है, अरे देखो खुदक रहा है। तो उसी तरीके से स्टालिन के साथ साथ, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ साथ बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो जाली और चिटिंगबाज हिंदू हैं, जो अपने वोट के लालच में जैसे ही इलेक्शन का, बरसात का मौसम आता है, वोटों की बारिश करवाने के लिए ये बरसाती मेंढक बन जाते हैं और भगवान राम के चरण को छू भी लेते हैं। अब कल जैसे मैं सुबह सुबह 6:10 में मैं निकली थी और मैं सीधा जा रही थी हावड़ा ग्रामीण उलवेरिया बागनान, मेरी लाइन से मीटिंग्स थी, मुझे पदयात्रा करना था, शोभा यात्रा करना था, बहुत सारे इनॉग्रेशन करने थे और भगवान राम की पूजा भी करनी थी, जो मैंने किया भी है, मेरे सोशल साइट पर देखा भी जा सकता है। तो वहां पर मैं जब रास्ते से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी भगवान राम के पूजा का इंतजाम किया हुआ था, हालांकि चेहरा बिल्कुल केले की तरह लटका हुआ था, बासी केले की तरह, एकदम एकदम चेहरे पर शाइनिंग नहीं थी, जैसे ये लोग टोपी पहन करके अवतार करते हैं तो बड़ा हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, पर हिंदू वोटर्स हाथ से ना निकल जाए, हिंदू वोटर्स कहीं एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे दे, हिंदू वोटर्स कहीं भगवान राम और राम मंदिर के इमोशन में बह करके भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों को ना बढ़ा दे, इसीलिए उन्होंने एक दिन की छुट्टी राम नवमी के दिन दी और उसके बाद फिर अपने कुछ कुछ चुन्नू मुन्नू नेताओं को भी, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को भी कहा कि भाई तुम लोग थोड़ा बहुत आयोजन जो है वो कर देना, लेकिन खुशी बिल्कुल भी चेहरे पर नहीं थी, कि मैंने खुद देखा है, मैं खुद देख करके आई। अब उसके बाद देखिए दानकुनी में
गेरुआ झंडे लगाए जा रहे थे जिस झंडे में भगवान राम का चित्र था। अब वहां पर दानपुनी में टोल से मेरे ख्याल से 10 मीटर पीछे सारे लड़कों ने मुझे फोन करना स्टार्ट किया कि दीदी 200 से ऊपर ये शांति प्रिय लोग आ गए हैं, लुंगी छाप लोग, मदरसा छाप लोग, जहिले आजम लोग आ चुके हैं और आकर के हमें झंडा नहीं लगाने दे रहे। वहां पर भी पुलिस आई और राम भक्तों को ही उठा करके जेल में भर दी है और पेटी केस दे करके शायद उन्होंने दूसरे दिन आज के दिन। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंजू पंकज जी और नाजिया लाइक खान जी का ये दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे भारत की बेटी नाजिया लाइक खान जी ने टीएमसी पार्टी की अच्छे से पोल खोल के रख दी और खासकर ममता सरकार पे जमके बरसी। जैसे कि उन्होंने बताया कि ममता सरकार यानी टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो बरसाती मेंढक की तरह है, जब चाहते हैं तो हिंदुओं को खुश करने के लिए शोभा यात्रा और रामनवमी में शामिल हो जाते हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।